जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर तेज हो गया है, जिसके साथ चिल्ले कलां की शुरुआत हो चली है और इसका असर राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दिखने लगा है, जो अगले 40 दिन तक जारी रहेगा। चिल्ले कलां के शुरू होते ही उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दौर भी तेज हो गया है। कई राज्यों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चिल्ले कलां के शुरू होते ही दिल्ली का तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो 22 दिसंबर को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के बाद शीतलहर शुरू हो सकती है, जिसके चलते 23 दिसंबर से तेज हवाएं चलेंगी और उत्तर भारत के राज्यों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 दिसंबर से शुरू हुए चिल्लई कलां के चलते अगले 40 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसका सितम 31 जनवरी तक देखने को मिलेगा। अब सवाल ये कि आखिर चिल्लई कला होता क्या है? दरअसल जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला एक निश्चित टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिसमें काफी ठंड पड़ती है। चिल्लई कला 40 दिन का होता है, जो भीषण सर्दी पड़ने का समय होता है। चिल्लई कला के दौरान कश्मीर में शीतलहर चलती है तो तापमान इतने नीचे चला जाता है जिससे मशहूर डल लेक तक जम जाती है। लेक में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में बहने वाले झरने तक जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से इस स्थिति का सामना करते हैं। इस अवधि में ज्यादातर हिस्सों में, विशेषकर ऊंचे इलाकों में, बार बार और बहुत तेज बर्फबारी होती है। चिल्लई कला की शुरुआत 21 दिसंबर से होती है, जो 31 दिसंबर तक रहती है। इसके बाद कश्मीर में 20 दिनों का चिल्लई खुर्द यानी छोटी ठंड और 10 दिनों का चिल्लई बच्चा यानी हल्की ठंड का दौर रहता है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में अगले 5 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में भारी बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी के चलते देश भर में शीतलहर चलेगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें कि तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीना ने बताया कि भारी बारिश के चलते कुछ स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।